हाय, अब हम डिस्कस कर रहे हैं लेटेस्ट से बुक का चैप्टर नंबर 20, मोर इश्यूज इन इनपुट एंड आउटपुट। उसका नाम पढ़ रहे हैं कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। की कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट होता क्या है, ये हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो देखते हैं व्हाट इज कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट आर द वैल्यूज गिवन आफ्टर द नेम्स ऑफ द प्रोग्राम इन द कमांड लाइन सेल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब उसके लिए ये पता होना चाहिए कमांड लाइन सेल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि विंडोज के अंदर, तो विंडोज के अंदर हमारे पास मतलब कमांड प्रॉम्प्ट, और लिनक्स के ऊपर बात करते हैं तो हमारे सामने आते हैं टर्मिनल। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स आर हैंडल्ड बाय द मेन फंक्शंस। अभी तक हमने जितने भी प्रोग्राम्स बनाए हैं चैप्टर नंबर 19 तक, तब उनके अंदर किसी भी मेन फंक्शन के अंदर हमने कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं करा है। तो जब कोई फंक्शन, जब कोई पैरामीटर हम मेन फंक्शन के अंदर पास करेंगे तो वो होगा कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। मेन फंक्शन के अंदर हम पैरामीटर केवल और केवल कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट के थ्रू ही पास कर सकते हैं, उसके अलावा पास नहीं कर सकते। क्या होता है, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट वो वैल्यूज होती हैं जो पास करी जाती है कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू या फिर सेल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू मेन फंक्शन के अंदर सी प्रोग्राम के। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट आर यूटिलाइज टू कंट्रोल प्रोग्राम फ्रॉम आउटसाइड रेदर देन हार्ड कोडिंग दोज क्वालिटीज इनसाइड द कोड। कुछ ऐसे फीचर्स या फिर कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट हमें पास करने होते हैं या फिर कुछ पैरामीटर वैल्यूज ऐसे पास करनी होती है जो कि हम हार्ड कोड नहीं कर सकते, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के थ्रू हमें रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू अगर हमें किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाना है और उसको हमने पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर रखा है, तो जब तक हम उसके अंदर यूजर आईडी एंड पासवर्ड पास नहीं करेंगे तो प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर हम उसको मेन फंक्शन को अलाउ करते हैं, उसके अंदर जाकर के प्रोग्राम के अंदर यूजर आईडी पासवर्ड मांगेंगे, डिमांड करेंगे, तो प्रोग्राम तो हमारा ओपन हो चुका है, उसके अंदर विंडो के अंदर जमा के हुए कमांड प्रॉम्प्ट करेंगे कि आप यूजर आईडी एंड पासवर्ड की एंट्री करो। लेकिन उससे बेटर सोल्यूशन हमारा क्या होता है कि आप कमांड लाइन के थ्रू अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाओ, तो उसके अंदर यूजर आईडी पासवर्ड को पास करो, या फिर जैसे कि आपकी फाइल को कॉपी करना है, तो आप सोर्स फाइल और डेस्टिनेशन फाइल दोनों अपने प्रोग्राम के अंदर हार्ड कोड कर देते हो। अगर आपको ये हार्ड कोड नहीं करने तो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट के थ्रू पास करके आप इस डेटा को जनरलाइज कर सकते हो कि ये जो आपका प्रोग्राम बन गया हमेशा के लिए यूज हो गया, कि फाइल के अंदर डेटा कॉपी करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। अब है कि सिंटैक्स ऑफ कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, सिंटैक्स क्या होता है। देखिए, इंट मैन इंट ए आर जी सी कैरेक्टर ए आर जी बी, ये क्या होता है आर्ग्यूमेंट। ए आर जी सी और ए आर जी बी दो पैरामीटर हमारे पास में होते हैं, इसमें से ये तो हमें ये बताता है कि कितने नंबर ऑफ पैरामीटर आप पास कर रहे हैं, और ये उस लिस्ट को स्टोर करता है। ये क्या हो गया हमारे पास में कैरेक्टर स्ट्रिंग आ गई है, ये आपको स्टोर करके रखता है कि जो पर्टिकुलर, जैसे तीन पैरामीटर पास करो, तीनों पैरामीटर की वैल्यू क्या है। तो जैसे जैसे एरे, जो एरे ऑफ स्ट्रिंग जो है उसकी लेंथ होगा इंडेक्स के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग ये आपको यूज करता है। जैसे हमारा मेन फंक्शन है, इसके अंदर दो फंक्शन के पैरामीटर पास करके आर्ग्यूमेंट, और ये हो गया आर्ग्यूमेंट वेक्टर, दोनों क्या होते हैं चेक कर लेते हैं। देखिए आर्ग्यूमेंट सी, आर्ग्यूमेंट काउंट, ये आपको बताता है कितने आर्ग्यूमेंट आप पास कर रहे हो, कितने पैरामीटर आप पास कर रहे हो मेन फंक्शन के अंदर। इज एन इंटीजर वेरिएबल दैट स्टोर द नंबर ऑफ कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट पास्ड बाय द यूजर इंक्लूडिंग द नेम ऑफ द प्रोग्राम। सो इफ यू पास अ वैल्यू टू ए प्रोग्राम, द वैल्यू ऑफ ए आर जी सी वुड बी 2, 1 फॉर आर्ग्यूमेंट एंड 1 फॉर द प्रोग्राम 1। जैसे कि आप ये बोल रहे हैं कि ए आर जैसे आर्ग्यूमेंट काउंट के अंदर जब भी हम डेटा पास करते हैं, तो जैसे मान लीजिए आपने इनिशियली 2 पास करा है कि दो पैरामीटर होंगे, तो उसके अंदर पहला तो पैरामीटर वो होगा जो कि मेन फंक्शन के अंदर पास नहीं होगा, वो पास क्या होगा कि आपके प्रोग्राम का नाम क्या है, कि किस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाना है। उसके बाद जो दूसरा जो पैरामीटर होगा वो केवल पैरामीटर से पास होगा कि डेटा के तौर के ऊपर की वैल्यू जो आप पास कर रहे हो। अगर आपने 3 पास करें तो मतलब कि 2 वैल्यू ऐसे हो पास कर रहे हो आप जिनका क्या प्रोग्राम को यूज करना है। जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो तो आपके प्रोग्राम का नाम होगा। उसका नाम होता है आर्ग्यूमेंट वेक्टर। इज एन एरे ऑफ कैरेक्टर पॉइंटर लिस्टिंग ऑफ ऑल द आर्ग्यूमेंट। जैसे आपने 3 पास करे तो जो एरे की साइज होगी वो 3 होगी, अगर 4 पास करें तो 4 होगी। उसके अंदर हमेशा 0 इंडेक्स के ऊपर तो फाइल का नाम होगा या फिर प्रोग्राम का नाम होगा जिस प्रोग्राम के अंदर हम इसको एग्जीक्यूशन करवाना है। अब की पॉइंट ऑफ कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट के की पॉइंट कौन कौन से हैं। द वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट शुड बी नॉन नेगेटिव। जो ए आर जी सी के अंदर जब वैल्यू पास करेंगे तो माइनस नहीं होनी चाहिए, हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होनी चाहिए। 0 अगर होगा तो मतलब कि कोई भी पैरामीटर पास नहीं कर रहे, और 0 जब पास कर रहे हो तो आपको कमांड लाइन के थ्रू, कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू आपको यही नहीं पता लगेगा आपको कौन सा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाना है। तो एटलीस्ट 1 तो होना ही चाहिए। ए आर जी सी इज ग्रेटर देन 0
द एरे एलिमेंट फ्रॉम ए आर जी वी टू ए आर जी वी ए आर जी से विल कंटेन पॉइंटर टू स्ट्रिंग, मतलब कि फर्स्ट इंडेक्स के अलावा जो भी वैल्यूज होती है, जो भी आइटम होंगे, इंडेक्स होंगे, उन सब के अंदर वैल्यूज स्टोर करी जाएगी. ए आर जी वी इज द नेम ऑफ द प्रोग्राम. आफ्टर दैट टिल लास्ट तक जब भी जाएंगे, एवरी एलिमेंट इज कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, की जो डेटा पास कर रहे हैं प्रोग्राम के अंदर एग्जीक्यूशन के लिए. ये आपके पास में कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट के कुछ की पॉइंट्स होते हैं कि हमेशा वन से ग्रेटर देन, जीरो से ग्रेटर देन होना चाहिए, मतलब कि वन तो होना ही चाहिए, क्योंकि वन तो होगा वो किस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाना है, और वन से ग्रेटर देन होंगे तो मतलब कि कुछ वैल्यू आप उसके अंदर पास करवा रहे हो. ओके, थैंक यू.